फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए न्यू वैकेंसी से रिलेटेड ये वीडियो लाए हैं। ये वैकेंसी राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो देखिए, आप ये ऑफिशियल नोट पेज देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और आप इसमें जाएंगे नीचे तो आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट 2017। इसमें एडवर्टाइजमेंट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर ऑन टेम्परेरी बेसिस, ट्रांसलेटर कम टाइपिस्ट की, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो टाइपिस्ट ट्रांसलेटर और टाइपिस्ट की जो वैकेंसीज का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो ये वैकेंसी है दो पदों की, हिंदी ट्रांसलेटर की और हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी और इंग्लिश टाइपिस्ट की। तो ट्रांसलेटर कम टाइपिस्ट और हिंदी ट्रांसलेटर, तो इसके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा प्रतिवेदन इत्यादि के कार्य इत्यादि के अनुवादक कार्य हेतु पूर्णतः अस्थायी तौर पर आपको वैकेंसी चली गई, तो टेम्परेरी बेसिस पे आपको लगाया जाएगा। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हुई है, या तो आप हिंदी एमए हो और साथ ही आपको इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो या इंग्लिश ऑप्शनल भी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी में एमए नहीं है, अगर आप इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और हिंदी आपके कंपलसरी है या ऑप्शनल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों में से आपके पास एक कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एक और क्वालिफिकेशन मांगी है, या तो आप हिंदी से इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश से हिंदी दोनों में ही आपके पास कोई डिप्लोमा हो ट्रांसलेटर का या सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 2 साल का हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में अनुवादक का, तो अनुवाद आपने कहीं ट्रांसलेटर का काम किया हो, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 2 वर्ष का, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप सर्टिफिकेट हो या एक्सपीरियंस हो, और साथ ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट मांगी है हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3rd नंबर पर है आपकी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक शब्दावली का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो इनकी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर है आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिस्ट की टाइपिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी राजस्थान हाईकोर्ट की जो टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो आप लोगों को अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं थी वैकेंसी के बारे में, तो आप इसमें अप्लाई करें। वैकेंसी हम आपके लिए लेके आए हैं, आप लोग टाइपिंग की तैयारी कर ही रहे होंगे, आपकी काफ़ी अच्छी टाइपिंग प्रैक्टिस भी हो गई होगी, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। और जिनका एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एज के बारे में देख लेते हैं, तो एज दी हुई है आपके मिनिमम, तो इसमें नहीं दी है, मैक्सिमम आपकी दी हुई है 35 वर्ष, इससे ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। और आपको जो भी सारे जो आपका जो डिग्री डिप्लोमा जो लगाएंगे आप, उन्हें आप अटेस्टेड कर लें, सेल्फ अटेस्टेड करके जमा कराएंगे। आपको जो एड्रेस दिया हुआ है ये भारतीय अनुभाग राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय NH 8 बांदर सिंदरी किशनगढ़ जिला अजमेर 30 85 17, इसका पिन कोड है राजस्थान। तो यहाँ पर आप अपने आवेदन के जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ये एड्रेस दिया हुआ है इस पर अपने जो प्रमाण पत्र है वो अटेस्टेड करके भेज दें। फ्रेंड्स, इसमें लास्ट डेट नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको जैसे ही लास्ट डेट का कोई नहीं है, आप जल्दी से अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी करें, आप अपना डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पर भेज दें यूनिवर्सिटी के पे। और लास्ट डेट नहीं दी है आपका, अगर चयन हो जाता है तो आपको इसके बारे में ईमेल से इन्फॉर्म कर देंगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है आपकी, एंड आपको 17,000 से 25,000 के बीच में प्रतिमाह दिया जाएगा चयन समिति के संतुष्टि के अनुसार। तो फ्रेंड्स, ये आपकी वैकेंसी के बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी, आपकी सैलरी बता दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, एज बता दिए, और आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने हैं उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें जल्दी से अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डेट नहीं है, लेकिन आप जैसे ही अगर उनका जो उनका लिमिट है उन्होंने सेट कर रखा है डिपार्टमेंट ने, वो डॉक्यूमेंट्स जितने आ जाएंगे उनके पास, उसके बाद वो इसमें आपके फॉर्म को अप्लाई जो है नहीं करेंगे और उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें हिंदी अनुवादक और ट्रांसलेटर कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है इसमें।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड को भी बताएं इसके बारे में, उनसे भी शेयर करें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए नॉलेज प्लेनेट इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ ही ये वेबसाइट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट से देख लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।